कैसे हैं जी आप? सब उम्मीद सब बढ़िया होंगे। और स्टूडेंट्स के भी वीजे आने स्टार्ट हो चुके हैं, और जिनके वीजे आ गए हैं उनको लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे को आप पूछ रहे हो बाजी हम यूके आ सकते हैं अभी? भाई आराम से आओ, बेफिक्र हो के आओ, अभी माहौल ठीक है। अगर कुछ होता तो मैं वीडियो बना के डाल देता। अब मैंने पीछे वीडियो डाली भी, आपको पता है जो राइड्स चल रहे थे यूके में। और गुड न्यूज तो ये है कि 100 सैकड़ों में इन्होंने अरेस्ट करा है, क्योंकि कैमराज देखो यूके में कैमराज सब जगह पे लगे हुए हैं। उस टाइम पे तो बड़ा प्रोटेस्ट करा लोगों ने, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो ब्रिटिशर्स है, वो इस्लामिस्ट है। भाई जिन्होंने गलत काम करा है, पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी को नुकसान करा है, 5 5 साल, 2.5 2.5 साल की जेल हो रही है। इंडिया जैसा सीन नहीं है कि इंडिया में जैसे केस चलता रहता है कितने कितने साल, फैसला आने में बहुत टाइम लगता है। तो इंडिया जैसा सीन नहीं है यूके में, यहाँ साथ के साथ इन्होंने सजा दी है लोगों को, प्रिजन जेल में भेज रहे हैं भाई, 2.5 2.5 साल, 1.5 1.5 साल, 1.5 1.5 साल, अकॉर्डिंग टू ना जो उसने करा है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, अभी मामला ठंडा है। अगर कोई प्लान कर रहा है यूके आ रहे हैं स्टूडेंट जिनके वीजे आ गए हैं, तो आप बेफिक्र होकर आ जाओ। अकोमोडेशन अगर किसी को नहीं मिलती है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कुछ बोला है कि अगर किसी को नहीं मिलती है तो आप 3 4 दिन के लिए हॉस्टल कर लो, सबसे सस्ता रहता है। मैक्सिमम बता रहा हूँ £15 में आपको पर नाइट का मिल जाता है, वो 3 4 दिन के लिए, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है ना। स्पेयर रूम पे भी देखो मिल जाता है, स्पेयर रूम पे भी, बाकी मैंने भी बताया हुआ है सब आपको, तो आप स्पेयर रूम पे देखो। उसके बाद नहीं भी होता है तो फिर हॉस्टल बुक कर लो 4 5 दिन का। देन आप क्या करो, आ जाओ आके फिर ना यहाँ पे स्ट्रीट्स पे बोर्ड लगे होते हैं, आपको आराम से मिल जाएगी भाई अकोमोडेशन। अभी इतना रश नहीं रहा पहले जैसा, पहले होता था पिछले सालों में ना भाई, बहुत बहुत कपल आते थे पिछले सालों में, मेरा होता है डिपेंडेंट बहुत आते थे, अकोमोडेशन जल्दी मिलता नहीं था। तो इस टाइम पे आप आओगे तो मिल जाएगी अकोमोडेशन, और माहौल अच्छा है। बाकी आप न्यूज वगैरह देखते रहा करो, क्योंकि यार हर टाइम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आज वीडियो भी काफी दिन के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं बिजी चल रहा था। स्टूडेंट जो वीजा फाइलिंग है ना, वो मैं खुद ही करता हूँ, तो पिछले 2 3 दिन से बिजी चल रहा था, स्टूडेंट्स हैं उनके वीजा फाइल वगैरह कर रहा था। बाकी जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन भी मैं ले रहा हूँ, फिनलैंड की एप्लीकेशन भी भाई स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप फिनलैंड के लिए भी करना चाहते हो अप्लाई, तो एक बार अपने भाई को कॉन्टेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड करना, अदरवाइज आपको मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं लगेगा कि प्रोफाइल क्या है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो मत भी करो, बट कभी कभी जाके ना इंस्टाग्राम पे मेरे नजर मार दिया करो, वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो आपको कुछ पब्लिक अकाउंट है तो आपको पता लग जाएगा, कोई भी जैसे यूके में कुछ हो रहा है, किसी कंट्री में कुछ चल रहा है, तो वहां पे अपडेट पहले आती है। यूट्यूब पे कई बार वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, तो वहां पे आप नजर मारते रहा करो मेरे इंस्टाग्राम पे। बाकी एप्लीकेशन जनवरी इनटेक की यूके की भी ले रहा हूँ, आप फॉर्म फिल कर देना। फिनलैंड के लिए आप मेरे को अभी से कॉन्टेक्ट कर लो, क्योंकि फिनलैंड का जो एप्लीकेशन है सिर्फ 14 15 दिन के लिए ओपन होता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। आप फिर बाद में भी कांटेक्ट करोगे तो आपका फिर नहीं हो पाएगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, और रिसेंट में एक कपल का वीजा आया भी है फिनलैंड के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और स्टूडेंट को भी हमने मई टेक में पीछे भेजा था। बाकी वीडियो पे आ जाते हैं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूके अभी आ रहे हैं ना अगले महीने स्टूडेंट्स, सेप्टेम्बर में, अगस्त में भी कुछ स्टूडेंट आए हैं, जिनके वीजे आ जाते हैं तो वो बैठेंगे इंडिया में, आप आ सकते हो, 1 महीना पहले भी आ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, बात करेंगे कि आपको आते साल यूके में जो पहली 4 5 चीजें करनी होती हैं, बहुत जरूरी हैं, और ये आपका टाइम सेव करती हैं। सबसे पहले जैसे आपका कैश लेटर आता है, तो आप टिकट बुक कर लिया करो, क्योंकि उसमें टिकट भी बुक करनी है तो आपने फ्लेक्सिबल बुक करनी है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप डेट आगे पीछे कर सकते हो। और टिकट्स आप अगर 15 20 दिन महीना पहले बुक करते हो ना, तो बहुत सस्ती पड़ती है। अगर सपोज करो कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी, और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 20 तारीख को, तो आप 15 सितंबर तक की आप टिकट, अभी आपका वीजा नहीं भी आया सर, कैश आ रखा है आपका, तो फ्लेक्सिबल टिकट बुक कर लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत सस्ती मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा वीजा आ जाएगा 10 तारीख को, फिर मैं बुक करूंगा एकदम से, फिर भाई वो 7 8 दिन बाद ही आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो, तो 70 80 हजार की बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप अभी कर लोगे तो 30 35 हजार में आपको मिल जाएगी, तो 40 50 हजार आपके बच जाएंगे, बचने हैं भाई। चाहे आप चेक कर लेना, काफी सारी वेबसाइट्स हैं, मेक माई ट्रिप चलती है इंडिया में बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली स्काई स्कैनर यूज करता हूँ, तो आप इनमें जाके चेक कर सकते हो। लंदन टू, आप दिल्ली से लंदन का देख सकते हो, अमृतसर से लंदन का देख सकते हो, बर्मिंगम का भी देख सकते हो। तो ये पहला काम आपने करना है कि जैसे कैश लेटर, अभी तो काफी स्टूडेंट है जिनके कैश लेटर आए हुए हैं, तो फ्लाइट टिकट का ध्यान रखो, पैसे जहां बचते हैं वहां तो बचाओ, एम्बेसी को देने हैं वो तो देने पड़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे हैं 1.25 लाख 1.5 लाख, वो देना ही पड़ेगा, उसमें तो आप बचा ही नहीं सकते ना, तो जहां पे बचते हैं वहां पे तो बचाओ।
बाकी अब इसके बाद क्या करना है कि आपकी अपॉइंटमेंट होती है वीएफएस जब आप जाते हो, तो मेरे को उसने पाजी वहां पे कोई इंटरव्यू होता है भाई, कुछ नहीं होता वीएफएस में, लिटरली बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होता है। आपके वो बायोमेट्रिक होते हैं वहां पे, पासपोर्ट वो आपका रख लेते हैं, और विद इन आपका 15 वर्किंग डेज में वीजा आ जाता है। स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे थे पाजी प्रायोरिटी में ले ना ले, भाई कोई फायदा नहीं है, इस बार वीजे डिले नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको बताया इस बार वीजे, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी, वीजे इस बार बहुत जल्दी, मेरे खुद स्टूडेंट जिनका मैंने स्टैंडर्ड में लगाया 7-8 दिन में वीजे आ रहे हैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। स्टूडेंट भी शौक है इस बार, जब भाई इतना रश, मैंने बोला पिछले साल में रश बहुत ज्यादा था, मैंने स्टूडेंट्स को साउथ के वीएफएस में बुक करने को बोला है मुंबई में जाओ इधर जाओ, बट अभी तो दिल्ली में भी अच्छा ही चल रहा है, अभी डिले नहीं हो रहे हैं इतने। तो अभी आप बेफिक्र होके स्टैंडर्ड में लगाओ, प्रायोरिटी में 50,000 क्यों फालतू देना, पैसे जहां बचते बचाओ, तो स्टैंडर्ड में लगाओ। अगर आपकी क्लासेस किसी की 20 तारीख को स्टार्ट हो रही है, तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि पाजी अगर हम लेट हो जाते हैं हफ्ता 10 दिन, देखो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 10-15 दिन 20 दिन दे देती है, 15 दिन तक तो मिलते ही मिलते हैं, तो अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी को मेल डाल दो कि मैंने वीजा अप्लाई करा हुआ है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई वीजा, अपना जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है अटैच करके उनको दिखा दो, तो आपको क्या है कि उनको भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ स्टूडेंट ने वीजा अप्लाई करा। और जैसे जिसका जिसका वीजा आ जाता है ना, तो वो वीजा की जो फोटो होती है या जो आपको मेल आया होता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल, तो वो मेल भी आप यूनिवर्सिटी को भेज दिया करो कि हमारा वीजा आ गया तो हम इस डेट को ट्रेवल कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। इनरोलमेंट डेट से पहले पहुंचना होता है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लास्ट इनरोलमेंट डेट से पहले यूके पहुंच जाओ, अदरवाइज आप नहीं पहुंचोगे तो वो आपको फिर टाइम नहीं देंगे, वो आपको फिर रिटेफर मार देंगे। तो लास्ट इनरोलमेंट डेट आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछ सकते हो, तो कई बार वो ऑफर लेटर पे कैश लेटर पे लिखी होती है कि इस डेट से पहले पहले आना, तो इस चीज का ध्यान रखना। सब कुछ हो गया, यूके आ गए आप, अब एयरपोर्ट पे पहुंचे हो, इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन वाले कुछ नहीं पूछेंगे आपको, आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपका जो वीजा वाला मेल आया होता है ना सक्सेसफुल वाला, वो आप प्रिंट आउट एक निकाल लेना या फोन में दिखा दो, वो देख लेंगे कि ये मेल आया था मेरे को यूकेवीआई से कि मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई। एड्रेस पूछेंगे वो कहाँ पे रहोगे, अकोमोडेशन का एड्रेस जरूर उनको बता देना, वो यही पूछते हैं, कोर्स पूछ लेंगे, यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे, और उन्होंने क्या पूछना, आपको पढ़ने आ रहे हो, आप पढ़ने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं, आप कौन सा यहाँ पे कोई वर्क परमिट है आपका या कुछ है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मुझे पता है आप इंडिया में बैठे हो, पहली बार ट्रैवल करना, नर्वसनेस होती है, जब मैं भी आया था पहली बार तो नर्वसनेस होती है भाई, होती है ऑब्वियस है, वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता अपने अंदर, बट एक दो बार 3 बार आप 4 बार ट्रैवल कर लोगे ना फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई कुछ नहीं है। तो इमिग्रेशन का बताया, बाकी यहाँ पे ना देखो स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं कि पाजी वीएफएस में लिबारा का सिम मिलता है, ठीक है अच्छी बात है, लिबारा का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, आप आओगे यूके में आपको पता लग जाएगा, बट 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए काम चलाने के लिए आपको फ्री में वो सिम मिल रहा है ना वीएफएस में, ले लो। आगे मैं लाइका का रिकमेंड करूंगा, 3 का लाइका, इनका अच्छा है भाई नेटवर्क, लिबारा का मुझे नहीं पसंद पर्सनली, बट आपको काम चलाने के लिए स्टार्टिंग में यूके आ रहे हो, वैसे एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई फ्री सब कुछ होता है, बस नेशनल एक्सप्रेस की बसेस है उनमें भी वाईफाई वगैरह होता है अगर आप किसी सिटी में ट्रेवल कर रहे हो, फिर भी आप लिबारा का सिम 4-5 दिन हफ्ता 10 दिन जितना चलाना चलाओ, बट मैं आपको बोलूंगा जब आप एनआईएन नंबर अप्लाई कर रहे हो ना यूके में आके, जो भी आप अपने एड्रेस प्रूफ वगैरह देते हो साथ नंबर वगैरह देते हो, तो नंबर अपना वही देना कि जो आपका लॉन्ग टर्म में चले नंबर, फोन नंबर की बात कर रहा हूँ, लिबारा ही अगर यूज करना है आपने तो नंबर वही देना उनको भी, फिर एनआईएन पे जब कॉल करोगे उसी नंबर से करना, फिर अदरवाइज फिर अपना नया नंबर लो जो आप पर्सनली यूज करना चाहते हो, देन उसी नंबर से ही अपना सब कुछ अप्लाई करना। इंडिया जैसे यार जो अपना नंबर यूपीआई वगैरह से कनेक्ट होता है, यूके में भी वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं कि आप वही नंबर इंडिया में भी यूज करते हो ना जो आपका मेन नंबर आधार कार्ड से लिंक होता है, तो ऐसे ही यूके में बता रहा हूँ कि जो आपका नंबर है ना मेन वही नंबर यूज करना है, ऐसा नहीं कि पहले आप लिबारा ही उनको दे दिया और नंबर चेंज कर रहे हो, तो उस चीज का ध्यान रखना, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत। ठीक ठाक यूके में इमिग्रेशन हो गई है, अकोमोडेशन में मूव कर चुके हो, और अभी आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, बीआरपी कार्ड। बीआरपी कार्ड की बात करूँ तो ये थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद आपको वो भी लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने वैनिश कर दिया भाई, ये तो बहुत ना मतलब क्या बोलो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, बीआरपी कार्ड प्रिंट करने में भी बनाने में भी उसकी भी कॉस्ट होती है ना, देख लो आप इस कंट्री के हालात इस टाइम पे, हर जगह से, एक तो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाई, एम्बेसी फीस बढ़ाई, अब ये अपनी फीस कॉस्ट कटिंग के लिए बीआरपी को खत्म कर रहे हैं, अब सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा, डिजिटल में क्या ही कॉस्ट आएगी इनको, समझ रहे हो,
तो ये ब्रिटिश कंट्री है भाई, ये यूके है, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये इस साल ही है, बीआरपी कार्ड आपको इस साल तक का ही मिलेगा। घबरा मत जाना कि मेरा वीजा इतना ही क्यों है। वीजा आपका ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, government.uk में शेयर कोड वगैरह होता है, तो वहां से आप अपना जो आपको मेल आया होगा ना, तो वहां से आपको ड्यूरेशन पता लग जाएगी, मेरा वीजा 3 साल का है, 2 साल का है, वहां पे सब लिखा होता है। तो वो आपका रियल होगा जो ऑनलाइन निकलेगा, ई वीजा, तो वही चलेगा। बीआरपी खत्म हो जाएंगे, बीआरपी का नहीं है कुछ इतना। तो वो आपने अभी आके आप कलेक्ट कर लोगे, ठीक है मिल गया आपको। देन उसके बाद क्या करना है, आपने NIN नंबर अप्लाई कर देना, अगर आपने अपनी अकोमोडेशन वगैरह भी कर लिया ना, और जिस अकोमोडेशन में आप रह रहे हो ना, फिर उसी में स्टे करना कि जब तक आपका NIN नंबर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चीजें ना आपको पोस्ट आएंगे, बैंक में जाओगे अकाउंट ओपन करोगे डेबिट कार्ड उस एड्रेस पे आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। बैंक आप किसी भी बैंक में जा सकते हो, सभी बैंक बढ़िया है। HSBC में मेरा पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी ब्रांचेस और भी बैंक मिल जाएंगे, जैसे लॉयड्स का है, नेटवेस्ट है, तो ये सारे काफी सारे हैं। HSBC में अपने दोस्तों के साथ मजाक करता था कि हरनीत सिंह बैंक कॉर्पोरेशन ऐसे में उनके साथ मजाक करता था। तो HSBC में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, कोई ऐसे कभी प्रॉब्लम आई नहीं है। साथ के साथ अपॉइंटमेंट मिलती है, अकाउंट ओपन हो जाता है। लॉयड्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, और आप एक ऑनलाइन अपनी साइड बाय साइड अपना मोन्जो का या रिवॉल्ट का भी कर सकते हो, ये ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं अकाउंट, इसमें कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जैसे यूरोप जाना है घूमने जाना है, ये मल्टी करेंसी है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो इनके कार्ड, बहुत बेनिफिट है। इंडिया पैसे भेजने हैं इससे, बहुत बढ़िया हो जाते हैं ट्रांसफर। तो ये भी आप जब आओगे, ये सब चीजें बाद में हो जाएंगी, पहले एक आप अपना परमानेंट यूके अकाउंट ओपन कर लेना, जो मैं आपको बताया, HSBC हो गया, लॉयड्स हो गया, जिसमें भी आप करवाना चाहते हो। रिवॉल्ट और मोन्जो का तो बाद में भी आप कर सकते हो, जो आपको ठीक लगेगा। अभी इसके बाद अगली बात कर लेते हैं कि अब आपने क्या करना है। आपका बीआरपी कार्ड हो गया, NIN आपने अप्लाई, NIN जब आप अप्लाई करोगे ना, वो मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा, government.uk वेबसाइट पे आप डालोगे भी आपको शो हो जाएंगे नंबर, 2-3 नंबर होते हैं, तो यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो आपने जस्ट कॉल करना है, आपके पास आपका बीआरपी कार्ड पासपोर्ट होना चाहिए, वो आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आप बता दो मैं इस डेट को अराइव कर रहा हूँ यूके, मेरा बीआरपी कार्ड, ये नंबर पूछेंगे आपको। वो बीआरपी कार्ड के ऊपर आपके राइट साइड पे एक नंबर होता है, तो वो आपसे पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेंगे। देन वो जस्ट आपको बोलेंगे कि आपका जो NIN नंबर है आ जाएगा, आपका 2 वीक आ जाता है, 2 वीक के अंदर अंदर, वैसे भी 1 महीने का टाइम कहते हैं, और रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है साथ के साथ। तो आप जैसे एजेंसी में जाते हो जॉब अप्लाई करने के लिए, तो आप रेफरेंस नंबर यूज कर सकते हो, NIN नंबर बाद में आता है, बट एक वो रेफरेंस नंबर भी दे देते हैं आपको, तो वो आप यूज कर सकते हो। बट कुछ एजेंसीज वाले नखरे बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो आपका वही चाहिए NIN नंबर, बाकी कैश इन एंड जॉब में ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो आप आते सार यहाँ पे जितनी शॉप्स रेस्टोरेंट्स हैं विजिट करो, क्योंकि सितंबर इनटेक में कंपटीशन होगा बहुत, तो आप आते सार ही अपनी जॉब पक्की करो, पार्ट टाइम जॉब। यूनिवर्सिटी मत छोड़ देना कि आए हो तो हम पैसा कमाने के चक्कर में लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी अपनी जाते रहना, एनरोलमेंट करो, ओरिएंटेशन अटेंड करो, आपको पता होना चाहिए क्या चलेगा, कैसे असाइनमेंट्स वगैरह होती है, रेफरेंसिंग कौन सी यहाँ पे मेथड यूज होता है, ये सब चीजें आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी का भी आपको पता होना चाहिए, और पार्ट टाइम जॉब भी अपना आते साथ अपने पैर पक्के करो कि हाँ अभी और भी स्टूडेंट आ जाएंगे, फिर वो जॉब पे फिर आपको पता है कंपटीशन हो जाएगा, फिर कोई और आपकी जॉब ले जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे आपके वीजे आते हैं तो आप ट्रेवल करो, कोई बेफिक्र होकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपने काम आते सार करने हैं। अभी आप यहाँ पे सोच रहे हो कि पाजी ने हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ बताया नहीं, भाई वो सब हो जाएगा, GB रजिस्टर करना है ना उसका कोई, मैं भी जब यूके आया था तो मैंने जाके 2-2.5 महीने बाद करवाया था भाई इतना। चलो आप आओगे तो करवा लेना, आपके नियर बाई जो GB आपकी लोकेशन में होगा ना, जो पुराने स्टूडेंट हैं या लोकल में आपको कोई, जैसे आपका ऑनर है, उनको पूछ लेना कि यहाँ लोकल इस एरिया में GB कौन है, कौन सा पास में है, कोई अच्छा सा देख के ना रजिस्टर कर देना। उसके लिए आपके पास IHS नंबर ऑलरेडी है, उनके पास सारा डाटा होता है, पासपोर्ट ले जाना अपना, IHS नंबर पूछेंगे, वहां जाके एक फॉर्म फिल करना है, देन वो जस्ट आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। और ये आप काम जब अपना आ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं है कि आपको आते सार ये करवाना है GB वाला, GB वाला आप आराम से भी करवा सकते हो, 1 महीना 1.5 महीना। आप अपने पहले ये जो मैंने अकाउंट का बताया है ना, इनका अप्लाई किया, जॉब वगैरह का पक्का करो, ये सब काम हो जाएगा GB का, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। यहाँ लास्ट में मैं ना एक दो पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आप फेसबुक ग्रुप होते हैं ज्वाइन कर, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसका ग्रुप होगा, ठीक है, इंडियंस इन बर्मिंगम, इंडियंस इन लूटन, या जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड, ऐसे ग्रुप हैं काफी सारे, फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, तो आप क्या करो इनको ज्वाइन करो भाई। यहाँ से ना नेटवर्किंग यूके में ये चीज बहुत हेल्प करती है, आपके रेफरेंसिंग बहुत चलती है, नेटवर्किंग कोई आपका, क्योंकि तो जो फेसबुक ग्रुप है उसमें पुराने स्टूडेंट भी होते हैं, लोकल भी होते हैं कई बार, तो आप
पार्ट टाइम जॉब मिलने में कुछ और हेल्प चाहिए, आप वहां पे पोस्ट कर सकते, अकोमोडेशन भी कई बार मिल जाती है ऐसे ग्रुप। तो ये सब चीजें ना, छोटी छोटी चीजें आपको बताएगा कोई भी नहीं, ये आपको खुद पता होनी चाहिए। आप 2024 में जी रहे हो तो आप ये सब ग्रुप ज्वाइन कर लो, जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ये पहले से करके रखो, कैसा आ गया तो कंफर्म है, तो हम ग्रुप आप ज्वाइन करो, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक वीडियो बनानी थी, अगर फिर भी किसी को डाउट हुआ तो आप कमेंट जरूर कर देना। बाकी किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है सेशन बुक कर सकते, वो पेड रखा हुआ है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अभी मैं भी बिजी चल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।